राम हरे राम 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 हरे हरे तो सुख मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों इस वक्त मैं वृंदावन में मौजूद हूं और आज हमारे साथ एक और विदेशी महिला है जो कनाडा से बिलोंग करती है और इन्होंने अपने देश की संस्कृति सभ्यता सब कुछ त्याग के भारत की सनातन संस्कृति को भारत के हिंदू धर्म को अपनाया है और आज हम इनसे बात करेंगे। व्हाट्स योर गुड नेम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण प्रिया है। कृष्ण प्रिया है, आप बेसिकली कनाडा से है? मैं कनाडा से आया। फिर आप भारत कब आई? पहले बार आया 2001। अच्छा, 2001 में, यानी कि आज से 21 साल पहले। हाँ, बहुत टाइम पहले। तो उसके बाद आप कनाडा गए हो या तब से यहीं? हाँ, जब मैं पहले आया तो 5-6 साल मथुरा रहती हूँ मेरे गुरुजी भक्तिवीरांत नारायण गोस्वामी महाराज के साथ। हाँ, और ये हिंदी जो आपने सीखी है, ये मतलब कैसे सीखी है? मैं बचपन से महाभारत देख लिया, रामायण देख लिया, रामानंद सागर, भगवद गीता, ऐसे तो हिंदी, रामायण, महाभारत ये सब देखना, फिर थोड़ा थोड़ा सीख जाएगा। और मेरे गुरुजी बहुत हिंदी हरी कथा दिया, तो धीरे धीरे सीखेंगे। गुरुजी ने हिंदी में कथा सुनाई और बाकी महाभारत रामायण देख के हिंदी सीखी है। महाभारत का सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा आपको लगा है? द्रौपदी, अर्जुन, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान, ओके। सो आपके परिवार में कितने लोग होंगे? मेरा परिवार अभी 5 लोग है, मेरे पास 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, पति और आप। बच्चे वगैरह जानते हैं? थोड़ा थोड़ा जानते हैं, परंतु मेरा बच्चा कनाडा से आया इसलिए कम हिंदी जानते हैं। अच्छा, बच्चे कम हिंदी जानते हैं, पति? वो ब्रजवासी। ब्रजवासी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपकी जब आप कनाडा में थे तो आप क्या करते थे वहाँ? मेरे पास एक बिजनेस है, आर्ट गैलरी बिजनेस है, और अभी ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा, हाँ। बिजनेस करते थे तो बिजनेस में अच्छा पैसा रहा होगा? हाँ, परंतु सब छोड़ दिया क्योंकि वृंदावन बहुत अच्छा है। जब मैं कनाडा है तो बहुत पैसा है, बहुत बड़ा घर है, परंतु ये मन के सुख शांति नहीं मिलेंगे। बहुत इंडियन लोग कनाडा जाएंगे परंतु सिर्फ पैसे के लिए, पैसा मन शांति नहीं मिलेंगे, बहुत प्रॉब्लम है। जब ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब हरी भक्ति करो, कृष्ण भजन करो तो बहुत शांति है, शांति मिल जाएंगे। कह रही है कि कनाडा में पैसा, बिजनेस सब कुछ मस्त था, लेकिन जो शांति यहाँ पे है वो कनाडा में नहीं थी। भारतीय संस्कृति की ऐसी कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी जिस कारण आपने अपने देश की सुख शांति को सब कुछ त्यागा? वहाँ पर आपका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा होगा और पैसा भी अच्छा था, वो सब छोड़ के आप यहाँ पर आई, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपको अट्रैक्ट कर गई? सो भारत में सबसे स्पेशल प्लेस, बहुत अच्छा प्लेस क्रिस्टन वृंदावन, क्योंकि 5000 पहले भगवान श्री कृष्ण वृंदावन आया, तो ये पूरा जीवन सबसे होली प्लेस है वृंदावन, 5000 मंदिर, और सब राधे राधे बोलो, सब हरे कृष्ण बोलो, सब मांस नहीं खाएंगे। कनाडा सब पैसा है परंतु सब मांस खाएंगे, दारू पीते, सब अच्छा नहीं। ये सब जी हिंदू लोग भी आए, हिंदू कनाडा जाएंगे और गोमाता खाया, ये अच्छा नहीं है। वृंदावन में किसी को मांस नहीं खाएगा, सब हरे कृष्ण बोलो, सब राधे राधे बोलो, ये मन का शांति। जब पूरा जीवन मांस खाएंगे तो नरक जाएंगे, है ना? नेक्स्ट जन्म गाय का जीवन मिलेंगे, बहुत दुख मिलेंगे। कह रहे कि अगर तुम मांस वगैरह खाओगे तो अगला जन्म जो आपको नरक में मिलेगा और गाय वाय का जीवन मिलेगा जो अच्छा जीवन नहीं होगा। अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? नेक्स्ट 10 ईयर्स में वृंदावन रहती हूँ, या नवद्वीप धाम रहती हूँ, या महाप्रभु का स्थान और कृष्ण राधा कृष्ण का स्थान, क्योंकि पूरा पैसा सुख शांति नहीं मिलेंगे। यदि भगवान शरण करो, कुछ हरे कृष्ण भक्ति करो, प्यास लहसुन मांस सब छोड़ दिया तो मन शांति होगा, और एक हरि गुरु वैष्णव की शरण करो, भगवान कृष्ण ग्रंथ पढ़ो, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता वगैरह। हाँ, पूरा, क्योंकि मेरे गुरु जी श्री भक्तिवीरांत नारायण गोस्वामी महाराज, यदि सद्गुरु मिलेंगे तो शरण करो और कुछ आत्मा की शांति मिलेंगे। आत्मा शांति नहीं है, बहुत पैसा है, बहुत घर है, बहुत परिवार है, परंतु पूरे लोग सब दुखी है, इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि जीवन बहुत कम है ना, तो जब मरेंगे तो क्या लेंगे?
सिर्फ भक्ति और कर्म लेंगे. सो अच्छा कर्म करो, अच्छा सुकृति मिलेंगे, भगवान भक्ति करो तो दूसरे जन्म भगवान मिलेंगे. बेसिकली दोस्तों आप इनकी बातों से समझ पा रहे होंगे कि अब ये जो सुख सुविधाएं हमारे जीवन होते, जो पैसा होता है, बड़े बड़े घर होते, लग्जरी गाड़ी होती, उन सब से इन्हें मोह हो चुका है. अब इन्हें सुख और शांति समृद्धि चाहिए, साधारण और संपन्न जीवन चाहिए.